गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर पर। मैं धर्मेंद्र नरूका जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर में क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। जितने भी पीरियड्स हैं ब्रिटिश लिटरेरी पीरियड्स में, कितने सेगमेंट हैं, क्या उनका सीक्वेंस है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग, एक एक चीज़ जो है आपकी वो डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि सर ये एजेस का बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स मामला है, मतलब दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, हम बार बार भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप बिल्कुल भूलने वाले तो हो नहीं। तो देखो सबसे पहले जो पीरियड है ना, उस पर जरा नजर डालिए। सबसे पहला जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 450 से लेके 1066 तक, और इस पीरियड को कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, तो पहला पीरियड आपका कब से हुआ, 450 से लेके 1066 तक, दैट इज नोन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। सेकेंड नंबर का पीरियड यानी कि इसके बाद शुरुआत होती है 1066 से और 1500 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एज रहा, दिस इज नॉन एज मिडिल इंग्लिश पीरियड, और इसको कहा जाता है द एज ऑफ चौसर। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ चौसर। चौसर वॉज बॉर्न इन 1340 एंड ही वॉज डाइड इन 1400, सो रिमेनिंग 15th सेंचुरी। अब देखो यहां क्या हुआ कि 1340 से लेके और 1400, तो जॉफ्रे चौसर का हो गया। अब 14 से 15 यानी 14 के बाद 15 सेंचुरी शुरू हो गई, तो इसको कहा जाता है बैरन एज कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है, या इसको कह देते हैं द एज ऑफ चौसर्स इमिटेटर्स। इन दिस एज नो ग्रेट वर्क वॉज रिटन। ये जो 1400 से लेके 1500 तक जो है ना, इसमें कोई भी बड़ा वर्क नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको डार्क एज और बैरन एज का नाम दिया गया। इसमें सिर्फ चौसर को क्या किया गया, कॉपी किया गया, कोई इंडिविजुअल ओन वर्क जो है वो नहीं लिखा गया। सो वी हैव स्टडीड टू एजेस, फर्स्ट आपका 450 से 1066 तक है, दैट इज नॉन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और सेकेंड नंबर दैट इज मिडिल इंग्लिश पीरियड द एज ऑफ चौसर। और इसी में जब ये भी ध्यान रखना, चौसर का तो हो गया ये वाला, और बाकी डार्क एज, बैरन एज या एज ऑफ चौसर इमिटेटर्स हो गया 1400, यानी कंप्लीट 15th सेंचुरी को बैरन एज या द डार्क एज या द एज ऑफ चौसर्स इमिटेटर्स जो है कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आई होप अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसके बाद शुरू होता है द रेनेसा, जो गोल्डन पीरियड है ना, ब्रिटिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड माना जाता है रेनेसा को, पुनर्जागरण काल जो इसे कहते हैं, 1500 to 1660, यानी 1500 से लेके 1660, ये पूरा कंप्लीट रेनेसा था। कुछ लोग इसको अर्ली मॉडर्न्स भी कह देते हैं, है ना, क्या भी कहते हैं, अर्ली मॉडर्न्स, अर्ली मॉडर्न्स। खैर, अब इसके पांच जो हैं वो पार्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले वाले की हम बात करें तो ये कौन सा है, प्री एलिजाबेथन एज है ना, प्री एलिजाबेथन एज, तो ये 1500 से लेके 1558 तक है, और जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ किंगडम या थ्रोन पर आती है तो दैट इज नॉन एज एलिजाबेथन एज, और ये 1558 से लेके 1603 तक आप लोगों का ये एज है, ये रहेगा। उसके बाद जैसे ही जेम्स फर्स्ट सिंहासन पे आते हैं तो ये एज हो गया आपका 1603 से लेके 1625 तक, और ये हो गया कैरोलियन एज, चार्ल्स फर्स्ट का जमाना हो गया 1625 से लेके 1649 तक, और उसके बाद इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड या इसको कहते हैं पुरीतन एज, और ये हुआ 1649 से लेके 1660 तक। इसमें एक दो बात और मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि एक तो ये तो क्वीन एलिजाबेथ का जमाना हो गया, वो तो नाम से ही पता लग रहा है वैसे,
है ना। अब क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की, शादी नहीं की तो फिर बच्चे तो कहां से ही होंगे, तो फिर स्कॉटलैंड का जो जेम्स सिक्स है उसको इंग्लैंड का क्या बना दिया गया, जेम्स फर्स्ट बना दिया गया। तो अभी हम इसको क्या मानेंगे, जेम्स फर्स्ट लिख देते हैं, स्कॉटलैंड का सिक्स है ये। कैरोलियन एज किससे है, चार्ल्स फर्स्ट से, चार्ल्स फर्स्ट से। और ये जो द कॉमनवेल्थ पीरियड जो है, ओलिवर क्रोमवेल की पार्टी जो है, क्रोमवेल की पार्टी है, उससे रिलेटेड हो गया। और इसी में तो होता 1642 में क्या हो गए, थिएटर्स बंद हो गए थे ना, वही एज है ये, है ना। थिएटर्स क्या हो गए थे, क्लोज्ड हो गए थे, क्लोज्ड कर दिया था थिएटर्स को, क्या कर दिया गया था, क्लोज्ड कर दिया गया था। सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ रेनेसा, या वी कैन क्लास क्लासीफाई द रेनेसा इनटू फाइव टाइप्स। तो ये फाइव टाइप्स हैं, आप बड़े अच्छे से जो है इसे समझ सकते हो, देख सकते हो रेनेसा। आई होप आप लोगों को आप क्लियर हो गया होगा। रेनेसा के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा है नियो क्लासिकल। शब्द से समझ में आता है, यानी जब हम एंशियंट या क्लासिकल मास्टर्स को वापस फॉलो करने लगे तो वो नियो क्लासिकल हो गया। नियो शब्द दैट मीन्स न्यू, ठीक है। और दिस पीरियड कैन क्लासीफाई इनटू थ्री टाइप्स। तो पहला तो है रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज में क्या हुआ कि चार्ल्स सेकंड जो है वापस एग्जाइल के बाद यहां पर जो इसका किंगडम है उसमें आ जाता है, वो राजा बन जाता है, तो इसीलिए इसको रीस्टोर से बना रेस्टोरेशन। और ये 1600 से शुरू हुआ, 1660 से शुरू हुआ 1700 तक, 1660 से 1700। और इसमें सबसे महान जो राइटर रहे वो जॉन ड्राइडन रहे, और चार्ल्स सेकंड के सबसे ज़्यादा करीब माना जाता है किसको, जॉन ड्राइडन को। उनके मतलब एप्रिसिएशन में इन्होंने खूब सारे वर्क लिखे थे। इसके बाद जो आता है वो ऑगस्टन आता है, किंग ऑगस्टस से इसको रिलेटेड मानते हैं, वहीं से ये नाम आया हुआ है। और ये एज जो है 1700 से लेके 1745 है ना, और इसे क्या कहा जाता है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, यानी अलेक्जेंडर पोप इस जमाने का सबसे ग्रेट राइटर रहा। इसके बाद द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, एज ऑफ ट्रांजिशन, यानी जो बातें क्लासिक जो नियो क्लासिकल्स की बातें थी वो रोमांटिक बातों में क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी, तो इसीलिए इसको क्या माना गया, द एज ऑफ ट्रांजिशन माना गया। और इनको क्या कहा जाता है, प्री रोमांटिक भी कहते हैं, इनको क्या भी कह देते हैं, प्री रोमांटिक भी कह देते हैं, प्री रोमांटिक है ना, या प्री रोमांटिक्स कर लीजिए आप। और इसमें सबसे बड़े राइटर्स कौन रहे हैं, जॉनसन, और कब से रहा है, 1745 से लेके 1798 में, यानी 1745 टू 1798 एंड दैट वन 1700 टू 1745 और ये 1600 टू 1700। तो ये कंप्लीट आपका नियो क्लासिकल जो पीरियड है ना वो आपका हो गया है। इसके बाद फिर आता है हमारा रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड जो है वो 1798 और 1837 में ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही क्वीन विक्टोरिया जो है वो किंगडम में आती है या वो क्वीन बनती है। और ये जो 1798 है ना, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए पॉपुलर है, लिरिकल बैलेड। एक वर्क आया विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का, और इसी वर्क से एक्चुअल में रोमांटिक पीरियड की जो शुरुआत है वो माय डियर मानी जाती है। देन विक्टोरियन एज, अब ये किससे है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ये क्वीन विक्टोरिया से है। और ये एज शुरू होता है 1837 टू 1901 और 1901 में विक्टोरिया की डेथ हो जाती है, तो उसी के साथ जो ये एज है ना ये खत्म हो जाता है। अब इसमें दो मूवमेंट रहे, एक तो प्री रेफेलाइट मूवमेंट जो 1848 से लेकर 1860 तक चला, कब से, 1848 से लेके 1860 तक। और एक और आया एस्थेटिसिज्म या डिकेडेंस, ये दोनों की दोनों क्या है, मूवमेंट है, ये दोनों भी क्या है, मूवमेंट हैं। और 1880 से लेके 1901, तो ये दो मूवमेंट भी आप लोगों को याद रखने हैं, ये भी विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन जो एज है उसी का पार्ट है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है ना, प्री रेफेलाइट। डी जी रोसेटी जो आपने नाम सुना ही होगा,
इसके बाद एडवर्डियन एज आ गया है ना, एडवर्ड सेवेंथ यहाँ आ गया था, और जॉर्ज पंचम, तो ये है ना, ये जॉर्ज से हो गया, ये किंग एडवर्ड, ये तो किंग एडवर्ड से हो गया, किंग एडवर्ड सेवेंथ, और ये जॉर्ज किससे है, फिफ्थ से है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप लोग, फिर शुरू होता है आपका कौन सा, मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड 1914 से लेके 1945, और द पोस्ट मॉडर्न जो होता है वो 1945 से लेके अब तक, यानी एट प्रेजेंट जो चल रहा है हम पोस्ट मॉडर्न में ही जी रहे हैं। तो ये आपके कंप्लीट एजेज हो गए। आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ, रिवीजन आपका करा देता हूँ। देखो, ओल्ड इंग्लिश पीरियड 1450 से 1066, मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से 1500, एज ऑफ चौसर 1340 से 1400, और एज ऑफ चौसर इमिटेटर्स बैरन एज द डार्क एज 1400, यानी कंप्लीट 15th सेंचुरी आपका जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद रेनेसा 1500 से लेके 1660, प्री एलिजाबेथन 1500 टू 1558, एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603, जेकोबियन एज 1603 टू 1625, कैरोलियन एज 1625 टू 1649, और कॉमनवेल्थ पीरियड या पुरीतन एज दैट इज 1649 टू 1660। फिर मूव फर्दर, न्यू क्लासिकल एज 1660 टू 1798, रेस्टोरेशन एज 1660 1700, अगस्टन एज 1700 1745। अभी एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, और द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशन 1745 टू 1798, एज ऑफ जॉनसन इसे कहा जाता है, प्री रोमांटिक्स भी इनको कहते हैं, रोमांटिक एज 1798 टू 1837, और विक्टोरियन एज 1837 टू 1901। अब इसमें दो मूवमेंट हुए, द प्री रेफेलाइट मूवमेंट 1848 1860, और एस्थेटिसिज्म या डिकेडेंस 1880 1901, है ना, ये दोनों की दोनों मूवमेंट है। देन एडवर्डियन एज दैट इज 1900 टू 1914, एडवर्ड से किंग एडवर्ड और किंग जॉर्ज, जॉर्जियन एज 1910 1936, और मॉडर्न एज 1914 और 1945, यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेके और द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये कंप्लीट जो है वो मॉडर्न कहलाया। पोस्ट मॉडर्न आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, क्या है ये, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाएगा, और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लेकर, है ना, और कब तक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, शुरू हुआ और ये खत्म हुआ, ये कंप्लीट एज जो है वो मॉडर्न एज कहलाएगी। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश क्वालिफायर जो इस YouTube चैनल का नाम है, ये अब कंप्लीटली आपका इंग्लिश लिटरेचर के लिए डेडिकेटेड है। यहां आपको सिर्फ लिटरेचर से संबंधित ही बातें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब चाहे आप UGC नेट है ना, JRF सेट है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT TGT, RPSC का चाहे ग्रेड 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी आपको कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो यहां मिल जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। अब आप लोगों का सिंपल सा काम यह है कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जिससे रीच बढ़ती है, और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करो। ज्यादा मतलब कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। बाकी आपके साथ फिर मैं मुलाकात करूंगा ऐसे ही एक और बेहतरीन और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।